हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका सिंह। आज का हमारा टॉपिक है मायोपिया। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। जब भी आपसे कोई इसकी डेफिनेशन पूछी तो आप ये बोलोगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इन विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना विच व्हेन एकोमोडेशन इज एट रेस्ट। ठीक है, व्हेन इट इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। ओके, आपके माइंड में एक टर्म बिल्कुल रटी होनी चाहिए, रिफ्रैक्टिव एरर। मायोपिया इज अ रिफ्रैक्टिव एरर। हम आपको दो और रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में बताएंगे इन अनदर लेक्चर। तो ये भी हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव एरर है, इन विच पैरेलल रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना व्हेन एकोमोडेशन इज एट रेस्ट। एकोमोडेशन को नॉर्मल टर्म में समझो कि जैसे जब कोई चीज़ दूर होती है तो उसको देखने के लिए हम आँखें छोटी करते हैं, तो टेम्प्रेरी अगर वो चीज़ हमें दिख जाती है, जैसे किसी को चश्मा नहीं लगा हुआ, चश्मे से पहले वाली स्टेज क्या होती है कि हम कोई भी दूर चीज़, कोई भी बहुत ज़्यादा दूर रखे कोई चीज़, तो हम आँखें छोटी करके उसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर वो दिख जाती है तो ठीक है, कभी कभी बहुत बार इवन हम उसे आराम से देख लेते हैं, आराम से मतलब एकोमोडेट करके आँखें। ठीक है, मीन्स कि अपनी आँखों पर प्रेशर डाल के उसे छोटा करके। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पास है तो आँखों को बड़ी कर लेते हैं, मतलब ये टेम्प्रेरी जो एडजस्टमेंट है ना हमारी आई की, इसको हम एकोमोडेशन बोलते हैं। तो मायोपिया में क्या होता है कि कोई चीज़ हमें दूर अगर ब्लर दिख रही है, ओके, व्हेन एकोमोडेशन इज़ ज़ीरो, मतलब आई हमारी बिल्कुल रेस्ट पर है, कोई एकोमोडेशन नहीं करे, तो उस चीज़ को बोलेंगे हम मायोपिया। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे देखो, ये हमारा रेटिना है, इसके आगे इमेज फॉर्म हो रही है, व्हेन एकोमोडेशन इज ज़ीरो। नाउ इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप शॉर्ट फॉर्म याद रखोगे ACP कौन है, मैं हूँ, तो ACP। एक्सियल मायोपिया रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ ऑफ द आईबॉल, ये बहुत कॉमनेस्ट फॉर्म होती है। सेकंड इज कर्वेचरल मायोपिया, इंक्रीज होता है इन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया लेंस और बोथ। पोजिशनल मायोपिया, एंटीरियर प्लेसमेंट ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस इन द आई, जब जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसका एंटीरियर प्लेसमेंट जाता है उसकी वजह से होती है। इंडेक्स मायोपिया रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस। आप बस इतना याद रखो कि इंक्रीज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। फिफ्थ हम बोलते हैं कि मायोपिया ड्यू टू एक्सेसिव एकोमोडेशन ऑकर इन द पेशेंट विद द स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन। बहुत ज़्यादा अगर मान लो बहुत ज़्यादा दूर से कोई चीज़ हम बार बार उसको देखने के लिए अपनी हर बार देखने के लिए अपने आई को अपने आई पे प्रेशर डाल रहे हैं, तो इसकी वजह से जो हमें मायोपिया डेवलप होता है इट इज़ कॉल्ड मायोपिया ड्यू टू एक्सेसिव एकोमोडेशन। नाउ ग्रेडिंग ऑफ मायोपिया, अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन जो AOA है उसने डिफाइन किया है 3 ग्रेड ऑफ मायोपिया के। सबसे पहला है लो मायोपिया, व्हेन लेस देन और इक्वल टू -3D, एरर कितना होगा लेस देन इक्वल टू -3D। मॉडरेट मायोपिया, जब एरर होगा बिटवीन -3D टू -6D। हाई मायोपिया, व्हेन एरर जो होगा इज मोर देन और इक्वल टू -60। उसके बाद है क्लिनिकल वेराइटीज़ ऑफ मायोपिया। अब क्लिनिकल वेराइटीज़ मीन्स जो किस किस कॉजेज से होता है मायोपिया। तो सबसे पहले इसमें कंजेनाइटल मायोपिया जो होता है वो हमारे हमें चाइल्डहुड से बच्चों में देखने को मिलता है। 2 to 3 years ऑफ एज में अगर कोई बच्चा डिटेक्ट होता है विद मायोपिया, देन हम उसे कंसिडर करते हैं एज अ कंजेनाइटल मायोपिया। सेकेंड इज सिंपल और डेवलपमेंटल मायोपिया। थर्ड इज पैथोलॉजिकल और डिजेनरेटिव मायोपिया। फोर्थ इज एक्वायर्ड मायोपिया एक्वायर्ड मायोपिया विच मे बी पोस्ट ट्रोमेटिक, पोस्ट केराटाइटिक, ड्रग इंड्यूस, स्यूडो मायोपिया, स्पेस मायोपिया, नाइट मायोपिया एंड कंजिक्यूटिव मायोपिया। ओके, तो इसमें क्या है, कंजेनिटल मायोपिया, सिंपल और डेवलपमेंटल मायोपिया, पैथोलॉजिकल और डिजेनरेटिव मायोपिया, एक्वायर्ड मायोपिया। नाउ इसमें हम एक चीज़ देखेंगे, जो इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस ऑफ द पैथोलॉजिकल मायोपिया, जो पैथोलॉजिकल मायोपिया होती है उसकी इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस क्या है। तो इसमें है कि जेनेटिक फैक्टर जो होते हैं उसे मेजर रोल प्ले करते हैं एंड जनरल ग्रोथ प्रोसेस जो होता है माइनर रोल प्ले करता है। मोर ग्रोथ ऑफ रेटिना, इसमें क्या होता है, रेटिना की मोर ग्रोथ होती है, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्क्लेरा। अब रेटिना अगर बड़ा हो रहा है तो स्क्लेरा भी तो स्ट्रेच होगा। इंक्रीज इन द एक्सियल लेंथ, जो एक्सियल लेंथ होती है वो इंक्रीज होती है। डीजनरेशन इन द कोरोइड, डीजनरेशन ऑफ द रेटिना, डीजनरेशन ऑफ द वाइट्रस। ठीक है, फीचर ऑफ पैथोलॉजिकल मायोपिया, ये में फीचर्स ऑफ पैथोलॉजिकल मायोपिया में देखने को मिलते हैं। नाउ
अब हम देखेंगे सिम्टम्स. क्लिनिकल पिक्चर में होता है सिम्टम्स. सिम्टम्स में पुअर विजन फॉर द फार फॉर द पुअर विजन फॉर डिस्टेंस शॉर्ट साइटेडनेस इज अ मेन सिम्टम ऑफ मायोपिया. एस्थेनोपिक सिम्टम मीन्स ईजी फटीक हो जाता है मे ऑकर इन द पेशेंट विद अ स्मॉल डिग्री ऑफ मायोपिया. हाफ शटरिंग ऑफ द आई मे बी कंप्लेन बाय द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड. द चाइल्ड डू सो टू अचीव द ग्रेट क्लियरिटी ऑफ स्थियोपिक विजन मीन्स क्लियर देखने के लिए अपनी आई को वो छोटा करेगा. इसको बोलते हैं हाफ शटरिंग. ठीक है, इसको आप यहाँ से समझो. देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है डिस्टेंस. डिस्टेंस ब्लर्ड विजन. ठीक है, ब्लर्ड विजन देखने को मिलेगा. लार्ज पेल ऑप्टिक डिस्क जो हमें ऑप्टिक डिस्क होगी वो हमें लार्ज एंड पेल देखने को मिलेगी. एंड हाफ शटरिंग ऑफ द आई, ये हमें हाफ शटरिंग ऑफ द आई बेबी की देखने को मिल सकती है बच्चे की, इवन बड़ों में भी. प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट एंड लार्ज आईबॉल, जो आईबॉल जो जाती है वो प्रोमिनेंट और लार्ज हो जाती है. ओके, टेम्प्ररी मायोपिक क्रिसेंट जो हमारी जो ऑप्टिक डिस्क होती है उस पर हमें टेम्प्ररी जो क्रिसेंट देखने को मिलते हैं. ठीक है, मून शेप ये हमें शेप देखने को मिलती है उस पर हमारे ऑप्टिक डिस्क पे. ठीक है, डीप एसी. ठीक है, ये चीज़ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है जो हमारा वो हमें आईबॉल का वो ज़्यादा डीप देखने को मिलता है. ओके, तो यहाँ पे हमें देखो हमें दिखा के हाँ हाफ शटरिंग में देख लिया. साइंस में प्रोमिनेंट आईबॉल जाती है इन द मायोपिक आई टिपिकली आर लार्ज एंड समवट प्रोमिनेंट. एंटीरियर जो एंटीरियर चेम्बर होता है स्लाइटली डीपर देन नॉर्मल. जो एंटीरियर चेम्बर जो होता है एसी जो एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं था वो एंटीरियर चेम्बर था स्लाइटली डीपर देन द नॉर्मल. नाउ पीपल आर सम जो पीपल होता है वो समवट लार्ज एंड बिट स्लगिशली रिएक्टिंग. ओके, फंडस इज नॉर्मल रियली टेम्पर जो टेम्पोरल मायोपिक क्रिसेंट है ना मे बी सीन, हमें वो चीज़ देख ली है. ओके, उसके बाद जो इसका डायग्नोसिस होगा वो हम जो सारे रिफ्रैक्टिव जो एरर्स हैं सारे पढ़ लेंगे, उसके बाद हम एक साथ आपको बताएंगे. ओके, नाउ ये बिल्कुल वही है जो हमने पढ़ लिया अभी. उसके बाद है कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशंस में रेटिनल डिटैचमेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट, विट्रस हेमोरेज, कोरोइडल हेमोरेज, स्टेबिस्मस फिक्सस, कन्वर्जेंस, ये हमें देखने को मिलता है. ये आप टर्म एक बार देख लेना गूगल पे, ये मुझे नहीं पता. वही है कि अगर रेटिना की जो अगर साइज़ बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है रेटिनल डिटैचमेंट हमें देखने को मिलेगा, कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट हमें देखने को मिलेगा, विट्रस हेमोरेज हमें देखने को मिलेगा, कोरोइडल हेमोरेज हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया हम सीधी सी बात है हमें क्या पता है इसके बारे में कि जो कॉनकेव लेंस है. ठीक है, कॉनकेव लेंस है. प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अप्रोप्रिएट कॉनकेव लेंस. ठीक है, दैट क्लियर इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना. बेसिकली हमें सीधा यही लाइन लिख देंगे ट्रीटमेंट में, दैट इज द मेन ट्रीटमेंट. ठीक है, बेसिक रूल ऑफ करेक्टिंग मायोपिया इज कन्वर्स ऑफ दैट इन हाइपर मेट्रोपिया. ओके, नाउ हाँ इसके बाद हम देखते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज जो होते हैं आर पर्टिकुलरली जस्टिफाइड इन केस ऑफ हाई मायोपिया एज दे अवॉइड पेरिफेरल डिस्टॉर्शन एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द स्ट्रॉन्ग कॉनकेव स्पेक्टिकल लेंस. ठीक है, कॉन्टैक्ट जो लेंसेज होते हैं वो हम पर्टिकुलरली जो हाई मेट्रो जो मायोपिया वाला पेशेंट होता है उसे देखते हैं बिकॉज में पेरिफेरल डिस्टॉर्शन भी होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए. सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत कम है और बहुत पॉपुलर भी नहीं है. जनरल मेजर्स में हम यही देखना है बैलेंस डाइट एंड मैनेजमेंट. एंड लो विजन एज जो होता है इज़ अ इंडिकेटेड इन द पेशेंट ऑफ द प्रोग्रेसिव मायोपिया विद द एडवांस्ड डिजेनरेटिव चेंजेस वर यूजफुल. विजन कैन नॉट बी ऑब्टेन विद द स्पेक्टिकल एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज. ठीक है, इसे लो विजन एज जो होते हैं आर इंडिकेट होते हैं इन द पेशेंट द प्रोग्रेसिव मायोपिया जिसमें प्रोग्रेसिव मायोपिया बढ़ता ही जा रहा है उसमें. ठीक है,
जेनेटिक काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो हमारे पेरेंट है अगर दोनों को मायोपिया है, मतलब मैरिज आप उस पर्सन से करो, जैसे आप अगर मायोपिक हो तो आप मायोपिक पर्सन से ना करो मैरिज अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसमें यही है कि अगर इवन इसमें यही तक बोला गया है कि एंड में अगर आपको दोनों के दोनों मायोपिक हो, हाई डिग्री ऑफ मायोपिया है, तो आप इवन प्लीज़ डोंट प्रोड्यूस एनी बेबी, क्योंकि उस पर क्योंकि वो बेबी भी मायोपिक ही होगा मोस्ट चांसेस है इसके, ठीक है। तो बस इतना ही है हमारा टॉपिक है मायोपिया, इतना आप एग्ज़ाम में लिखोगे यू विल गेन गुड मार्क्स। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्ट फॉर द मोर वीडियोस। हम ये सारे टॉपिक्स जो ऑप्टिक्स के हैं वो कवर करेंगे एंड थैंक यू।